हेलो फ्रेंड, अर्चा कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सत्तू का कचौड़ी, जो कि आप इसको नाश्ते में ले सकते हैं सुबह या फिर शाम को, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और वीडियो में तक बने रहिए, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिए है बाउल में, तो मैदे में मैं ऐड करूंगा अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालेंगे और मोयम के लिए यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी प्रयोग कर सकती हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से मिला है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटे को लगा लूंगी। घी का मोयन से कचौड़ी बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक देंगे। और यहाँ पे हम सत्तू ले लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। और नमक ऐड करेंगे। और अजवाइन। तो यहाँ पर हम अमचूर पाउडर लिए हैं, इसको डाल देंगे। आप चाहें तो आप नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे हम सरसों का आयल और सत्तू को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे सारी सामग्री को। तो 15 मिनट हो गया है, तो मैदे को हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। और ये अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। तो मैदे को मैं थोड़ा थोड़ा धो लूंगी। इसी तरह हम मैदे का डो ले लूंगी। और बेलन की सहायता इसको थोड़ा सा बेलूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो इसमें सत्तू का हम स्टफिंग डाल देंगे। इसको अच्छी तरह दबा देंगे सत्तू को, फिर से हम मोड़ लेंगे और ऊपर के भाग मैं कट कर दूंगी, नहीं तो मोटा हो जाएगा, इसलिए मैं कट कर दे रही हूँ। तो इसी तरह हम कचौड़ी बना लेंगे सत्तू का। इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। और इसको भी हम ऊपर से कट कर देंगे और इसको हम इसी तरह हम दबा देंगे। और गैस ऑन करके मैं एक बर्तन में ऑयल डाल दी हूँ और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो मैं सत्तू की कचौड़ी इसी में डाल दूँगी। और गैस का मैं यहाँ पर बिल्कुल स्लो रखूँगी ताकि अच्छी तरह से पके अंदर से और क्रिस्पी भी बने।
तो इसको हम गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। ऊपर से ये फट भी रहा है कचौड़ी, आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से फूला भी है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह पक गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे सत्तू की कचौड़ी को। तो दूसरे को कचौड़ी को भी हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बची हुई कचौड़ी को तल लेंगे। तो ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे और तलने के लिए दूसरी कचौड़ी भी रख देंगे उसमें। तो सत्तू की कचौड़ी बन के तैयार हो गया है, आपको इसको हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत ही अच्छा बना है। तो सत्तू की कचौड़ी को आप चाय या तो फिर मनपसंद चटनी के साथ या तो फिर दही के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है। आप इसको नाश्ता में ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।